गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। विषय बड़ा सुंदर है आज का और समय थोड़ा है तो क्या करना चाहिए। ये शंका सारे संसार को है और तो और अर्जुन को भी यही शंका थी। दसवें अध्याय में अर्जुन ने पूछा भगवान से केसु केसु च भावेशु चिद्योषि भगवन मया। प्रभो आप ये मुझे बताओ कि किसकी पूजा मुझे करनी चाहिए। यहाँ तो अनेक देवता हैं, अनेक अवतार हैं, तो पूजा किसकी करनी चाहिए। तब भगवान ने दसवें अध्याय में अर्जुन को संकेत से बता दिया कि पूजा किसकी करनी चाहिए। लेकिन शंकराचार्य जी महाराज ने अपने चरपट पंजरिका स्तोत्र में कहा है पश्यन्नपि न पश्यति मूढ़ा, सुनकर के भी हम नहीं जानते हैं, देख करके भी हम नहीं जानते हैं। इनको कहते हैं मूढ़। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, ये पंद्रहवें अध्याय में कहा है। मूढ़ जनों को भगवान का पता नहीं है, ज्ञानियों को है। इसलिए मूढ़ जनों को ज्ञानियों के पास जाना चाहिए। और कैसे जाना चाहिए? डॉलर लेके जाना चाहिए या एप्पल लेके जाना चाहिए? भगवान ने वो भी बताया है, जाते समय तीन चीजें ले जाओ। तीन चीजें नहीं है तो ज्ञानी से आपको कोई बात मिलेगी नहीं कभी भी, भगवान के संबंध में। बाकी तो मिल जाएगी, डॉक्टरी आप सीख जाएंगे, इंजीनियरिंग भी सीख जाएंगे, साइंस भी सीख लेंगे, संगीत भी सीख लेंगे, ये छोटी छोटी जितनी विद्याएं हैं ये आप सीख सकते हैं। लेकिन भगवान संबंधी बात तो आप कदापि नहीं सीख पाएंगे यदि ये तीन चीजें नहीं है तो। क्या पहली बात कही? तद्विद्धि प्रणिपातेन, अगर कुएं में से जल निकालना है तो बाल्टी को टेढ़ा करके और भर के निकालना पड़ेगा, झुके बिना बाल्टी नहीं पड़ेगी। घी में उंगली डाल के उंगली निकालो, सीधी घी नहीं आवेगा, लेकिन टेढ़ी करके उंगलियां ऐसे करो तो घी लप भर के आवेगा। कहा तद्विद्धि प्रणिपाते न, ज्ञानी तुम्हारे केले का और डॉलर का भूखा नहीं है, एप्पल का भूखा नहीं है। जाके क्या करो, पहले प्रणाम करो। प्रणाम भी कई प्रकार के होते हैं, एक तो टाटा, एक बाय बाय, बाय बाय का बाय बाय क्या करते हैं, बाय बाय, भाई भाई को क्यों नहीं याद करते, भाई को क्यों करते हैं? तरीके हैं। कोई जनरल साहब के साथ मैं जा रहा था, कार में बैठा हुआ तो सामने से पुलिस वाले को देखा तो अपना ये जो बूट होता ना जूता, जमीन पे मारा जोर से और बंदूक के एक थप्पड़ मारी। मैंने कहा ये क्या है,
बोला ये इनका प्रणाम है, पूजा है, नहीं करे तो कोर्ट मार्शल हो जाता है। तो अलग अलग तरह की पूजा, हमारे यहाँ पूजा का भी मतलब है जो शायद अभी कई लोग कम जानते होंगे। दो अक्षर है पू और जा। पू माने पूर्ण रूप से और जा के माने जान लेना। यदि आपने पूर्ण रूप से जान लिया कृष्ण को, पूजा कर लिया आपने। यदि आपने पूर्ण रूप से जान लिया अवतार को, आपने पूजा कर ली। यदि आपने पूर्ण रूप से जान लिया गुरु को, आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो पूर्ण रूप से जानना ही जो पूजा है, और बाकी तो छोटी सी झोपड़ी के अंदर मास्टर साहब बच्चे को सब दिखा देते हैं। अफ्रीका कहाँ है, अमेरिका कहाँ है, वाशिंगटन कहाँ है, मास्को कहाँ है, लेकिन मास्टर साहब ने खुद ने नहीं देखा अभी तक, पर कागज पे बता देते हैं। वो कागज पर बताया हुआ असली नहीं है, न मास्टर ने देखा है और न मास्टर के स्टूडेंट ने देखा। वो असली देखना और चीज है। तो यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि कैसे जाना चाहिए गुरु के पास, प्रणाम करके, साष्टांग प्रणाम। समझते हो साष्टांग क्या? स माने सहित, अष्ट माने आठ, अंग के माने पार्ट। शरीर के आठ पार्ट हैं, उनको जमीन पर धरती माता पर लगा करके प्रणाम करना, उसको कहते हैं साष्टांग दंडवत। इससे ऊंचे और सारे प्रणाम छोटे हैं। कई लोग हेलो हेलो भी कहते हैं। मैंने पूछा हेल के माने क्या है, कहते नरक। तो मैंने कहा इसको नरक नरक क्यों कहते हो बेचारे को? कई लोग ऐसे ही करते हैं, कोई कहते हैं बहन जी, स्कूल की लड़कियों को कहा बहन जी नमस्ते। मैंने कहा ऐसे क्यों कहा? यूं कहती बहन जी नमस्ते। कोई नमस्ते का तरीका उनको पता ही नहीं है, ये चीजों का जानते नहीं हो। सज्जनों गीता ने साफ कहा है असाष्टांग दंडवत करो, प्रणिपाते न, प्रणिपात करके। और तब क्या करो, ये पहली चीज है। अगर ये नहीं है और ये सीधे करो, प्रश्न करो सीधा। मथुरा में मैं जा रहा था, एक पीछे से लड़का आया साइकिल पे भागा भागा, स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी। मैंने पीछे देखा लड़का आ रहा है, वो साइकिल जैसे मेरे ऊपर ला रहा था। मैंने कहा मारेगा क्या मुझे? मैं पीछे हट गया, वो साइकिल से नीचे उतरा नहीं, एक पैर पेडल पे रखा हुआ और एक पैर जमीन पे टेक दिया, पंजा टो आगे का। कहने लगे मैं आपको बहुत ढूंढा, आश्रम में गया आप मिले नहीं, बगीचे में गया आप मिले नहीं, तो अब आप यहाँ मिल गए हो, मुझे जल्दी बता दो, मुझे जाना है कॉलेज में और आज मुझे बोलना है ब्रह्म क्या है। इस पर ब्रह्म क्या है जानने के लिए वो साइकिल से भी नीचे नहीं उतर रहा है, एक पैर भी ऊपर है, जल्दी बता दो। वो डिबेट में जीतना चाहता है। जहाँ ब्रह्म को जानने के लिए यहाँ ऋषियों की सारी उम्र समाप्त हो जाती है। देखो बच्चे का क्या। तो कहते नहीं, पहले दंडवत प्रणाम करो और फिर प्रश्न पूछो अपने कल्याण का। परिप्रश्न, इसके बाद है सेकंड नंबर में परिप्रश्न। और फिर तीसरी चीज है सेवया, सेवा करो गुरु की। हम तीनों ही नहीं जानते, न प्रणाम जानते, न पूछना जानते और न सेवा जानते। किसी ने कह दिया घर पर आवे तो सेवा करनी चाहिए, उनको आसन दो, स्नान कराओ। गुरुजी एक कश्मीरी पंडित के गुरु थे, पहुंच गए श्रीनगर। उनको पता नहीं था बेचारों को कि श्रीनगर में कितनी ठंड होती है। तो रास्ते में ही उनको बुखार आ गया, 103 डिग्री बुखार हो गया, थर 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 कांपने, बिल्कुल बेहोश जैसे। सोचा जल्दी पहुंच जाऊंगा तो वो शिष्य कुछ सेवा करेगा मेरी। जो ही घर पर शिष्य के पहुंचे तो उसने तो सुना था कि स्नान करानी चाहिए, तो बाल्टी भर के पानी की लाई और गुरु जी के ऊपर डाल दिया।
और गुरु जी के दांत चिपक गए। वहीं जैसी आराम कर गए गुरु जी तो। सेवा का हम अर्थ जानते ही कि नहीं, सेवा है क्या, पूजा है क्या। तो पूजा का तो मैंने अभी बताया कि पूर्ण रूप से किसी को जान लेना, ये पूजा है। यहाँ बहुत से लोग पूजा करते हैं, अंगूठा धोते हैं, हाथ में कलावा बांधते हैं, माथे में तिलक करते हैं, माला पहना देते हैं, प्रसाद खिला देते हैं, हो गई गुरु पूजा। गीता कहती है गुरु पूजा में तो खाली तीन चीज चाहिए, तुम्हारा सेव और केला नहीं चाहिए गुरु जी को, तुम्हारा स्नान और कपड़ा नहीं चाहिए गुरु जी को, तो क्या चाहिए? साष्टांग दंडवत और अपने कल्याण का प्रश्न, और फिर अंत में सेवा। सेवा के बिना ये दोनों ही बातें तुम्हारी जो है फलेगी नहीं। तो सेवा क्या है? 2000 चेला हैं हमारे, मैं बताऊं आपको। अगर 2000 चेला मुझे एक एक बाल्टी डाल के स्नान करावे तो बता मैं जीऊंगा कि मरूंगा? 2000 चेला और 2000 अगर एक एक धोती ला के मुझे उड़ा दे या एक एक दुपट्टा, तो सफोकेशन होके मरूंगा कि जीऊंगा? 2000 चेला हैं और 2000 अगर कहे कि नहीं एक केला तो हमारा खाना ही पड़ेगा। सज्जनों ये सेवा नहीं है। 2000 नहीं, 50,000 चेला हो, सेवा करे, गुरु का भी कल्याण है और चेले का भी कल्याण है। सेवा क्या है कि गुरु की आज्ञा का पालन करना, ये ऐसी सेवा है। अगर 10,000 भी आज्ञा का पालन करे गुरु का क्या बिगड़ेगा? और नहीं तो एक एक चम्मच भी 10,000 आदमियों ने खीर डाली गुरु के मुंह में तो गुरु कहां पहुंचेगा? सज्जनों एक गीता की एक एक बात समझने की है। अब ये प्रश्न पर हम आते हैं कि पूजा कृष्ण की करें या पूजा अवतार की करें। पहले तो अवतार और कृष्ण दो हैं नहीं, यही हम ये फंडामेंटल डिफेक्ट जो ऊपर हुआ है वो यही हुआ है कि हम समझ ही नहीं पाते। तो भगवान ने उसके समाधान में बताया कि अर्जुन जब 8वां अध्याय अक्षर योग का पहला मंत्र जब शुरू हुआ था, अर्जुन का प्रश्न किम तद ब्रह्म, ब्रह्म क्या है, तब शंकराचार्य जी वाली बात आई समझ में कि ब्रह्म के सिवाय और है क्या? जो कुछ दिख रहा है वो सब ब्रह्म है। तभी उन्होंने कहा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अभी हर एक के समझ में कब आएगा? आप इस सारे मकान में जितनी सजावट देख रहे हो, खुश हो रहे हो, ज्ञानी पुरुष जानता है ये सब मिट्टी है, मिट्टी में से ही आए सब, और मिट्टी के ही सारे कड़े हैं और मिट्टी में ही मिलेंगे, पर हर एक के थोड़ी समझ में आएगा, आसानी से नहीं आता। पर कुछ पढ़े लिखे लोग ये मिट्टी को तो समझ गए, हाँ जी ये तो समझ में आ गया। क्यों? बड़ा ये बल्ब कहां से, मिट्टी में से बने, ये तार मिट्टी में से बना है, ये दीवार मिट्टी में से बनी है, ये लोहा मिट्टी में से निकला है, सब खानों में से निकलते हैं ना। ये भी अभी कहीं को नहीं समझ में आया है। तो अभी मिट्टी भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं, साइंटिस्ट सिर मार रहे हैं, सैकड़ों वर्ष हो गए हैं मिट्टी को लेकर के, और अभी भी कहते हैं कि मिट्टी में अभी बहुत सारी चीजें हैं जो निकालनी बाकी है। वो फिर 5 तत्वों को कब समझेंगे और अवतार को कब समझेंगे? इसीलिए मैं जोर दिया करता हूं हमेशा गीता पढ़ो, ये गीता आपकी तीसरी आंख खोल देगी, आज नहीं तो कभी कुछ अरसे के बाद। आप मुझ पर दया करके पढ़ा करो, मुझे यही भिक्षा दे दो बस, हो गई गुरु की सेवा, साधु की सेवा, ब्राह्मण की सेवा, और कुछ नहीं तो एक फकीर की सेवा, इतनी तो सेवा कर लो कम से कम, इसे पढ़ो, आपका नुकसान कुछ नहीं होगा लेकिन आपको लाभ अनेक होंगे। और इस जन्म में आप कितनी चीजें बटोर लो, जब मर जाओगे एक सुई तुम्हारे साथ नहीं जाएगी,
ये सारी साड़ियां, सारी चुनियां, सारी अंगूठियां, सारी चाबियां, जितनी है सारा फर्नीचर, सारी कुर्सियां, सारी कारें, और तो सारे बच्चे, सारी बहुएं, सारे पोते, सब के सब धरे रह जाएंगे, एक तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। समझ में आ रही है या नहीं? कहते हैं आ तो रही है लेकिन फिर भी हम समझ नहीं रहे हैं। ये बढ़िया खूबी है। तो तुलसी जो शंकराचार्य जी ने इसी पर कहा, पश्यन नपि न पश्यति मूढ़ा, देख रहे हैं हम ये सब। लेकिन गीता अगर पढ़ लोगे तो जितने तुम गीता के पाठ करोगे, जितने तुम मंत्र गीता के पढ़ोगे, ये सारे तुम्हारे साथ जाएंगे, एक भी यहाँ नहीं रहेगा, तुम्हारा साथ देंगे। और परलोक में जहां जाओगे आनंद करोगे। और जाना तो जरूरी है, भले आपको पता नहीं है कि आप जाओगे कहाँ। इनमें से कुछ तो मेरे ही पास आएंगे फिर मर करके भी, ये पता है। पर जाओगे तो जरूर के जाओगे, नहीं बोलो है? जाएंगे तो जरूर, और ले जाओगे कुछ नहीं साथ में, लेकिन ये गीता के मंत्र जाएंगे। इसीलिए मैं आपसे भीख मांगा करता हूँ कई बार, मुझे आप खाना मत दो, कपड़ा मत दो, डॉलर मत दो, ये आप अपने पास रखो। देना है तो एक चीज दो, कहो हमें जब फुर्सत मिलेगी तो गीता पढ़ेंगे। ऐसा भी कितनी ढील दे दी मैंने। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की जय। हरिओम तत्सत। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। देना है तो एक चीज दो, कहो हमें जब फुर्सत मिलेगी तो गीता पढ़ेंगे। ऐसा भी कितनी ढील दे दी मैंने। जब फुर्सत मिल जाए कभी भी, दो तीन मिनट पढ़ लिया करो। ऐसी ऐसे इसमें अमूल्य रत्न भरे हुए हैं कि बड़े बड़े ज्ञानियों के अंदर के कपाट खोल देते हैं और प्रकाश देते हैं। तो अर्जुन ने जब ये पूछा तो भगवान ने दसवें अध्याय में विभूति योग के रूप में बताया कि अर्जुन ये जो कुछ दिख रहा है ये सब भगवान है, तो किसी की पूजा कर। यद यद विभूति मत्तत्वम श्री मधुर्जित में हुआ, जो जो तुमको दिख रहा है। और कल मैंने यही कहा था कि आंख हमारी जहां जहां जाती है, आंख के सामने जो जो आता है वो सब ब्रह्म है। लेकिन ये साकार ब्रह्म है, ये याद रखना। निराकार ब्रह्म आंख के सामने नहीं आता है, इसलिए निराकार की पूजा भी नहीं होती है। पूजा उसी की होती है जो सामने आता है, निराकार की पूजा नहीं होती। पूजा साकार की होगी। मैं आपके सामने साकार बैठा हूं, शकल दिख रही है मेरी के नहीं? चमड़ा है, मांस है, खून है, लोथड़ा है, ये वेद प्रकाश जी सामने साकार बैठे हुए। इनसे अभी बातें सुनी, बड़ा आनंद आया आप लोगों को। मेरे तो समझ में नहीं आई थी ना, तब मैंने पूछा, कान काम नहीं करता था। लेकिन ये वेद प्रकाश नहीं है जिसको आप देखते हो, तो इनके अंदर है निराकार बैठा हुआ। उसको देखो तो पता लगेगा कि वो कितना महान है, पर वो देखोगे कहां से, वो अकल ही नहीं है देखने की। और इतनी अकल है कि इनमें से अगर वो निकल जाए वेद प्रकाश अंदर वाला निराकार, तो जितने साथी और रिश्तेदार है शादी माता पीटेंगे, रोएंगे, कहां बोला वेद प्रकाश गया, कहां गया। निराकार मरता नहीं है और साकार सामने खड़ा है, रो किसको रहे हो मूर्खो, किसको रो रहे हो तुम। रामायण में कहा जब वो रोने लगी बाली की घरवाली, तो भगवान ने कहा तो किसको रोती है, अंदर वाला बाली तो मरा नहीं और मरेगा भी नहीं।
और बाहर का बाली जिसको तू देख रही हो तो सामने पड़ा है तेरे लिए, तू रो क्यों रही है? पर बात यह है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब तक नहीं होगा तब तक ये जीव ज्ञानी नहीं कहलाएगा, दुखी कहलाएगा। तो जो कुछ दिख रहा है, तुलसीदास जी ने भी रामायण में कहा, श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। अच्छा अब सुनो, आप अवतार किसे कहते हैं वो अभी उन्होंने बताया। अब के माने हैं नीचे, तार के माने हैं उतरना। जो ऊपर से नीचे उतरता है वो अवतार है, और जो नीचे से ऊपर जाता है तो ऊपर को कहते हैं उत्त। उत्त के माने ऊंचा और तार के माने ज्यादा। तो एक नीचे जाता है एक ऊपर जाता है। तो जब तार से मिलता है डबल त, तो संस्कृत की डिक्शनरी के अनुसार वो दकार बन जाता है, तकार लोप हो जाता है, तो उसको उत्तार न कह करके उद्धार कहते हैं। तो जिसको ऊपर जाना है उसको उद्धार चाहिए, और जिसको नीचे आना है उसको अवतार चाहिए। अवतार नीचे इसलिए आता है कि जो नीचे हैं उसको ऊंचा ले जाना है, नीचे वालों को ऊपर ले जाने वाले को अवतार कहते हैं, अवतार कहते हैं, और नीचे वाले ऊपर जो जाते हैं की इच्छा करते हैं उनका उद्धार होता है। तो एक का होता है अवतार और दूसरे का होता है उद्धार। ये एक दृष्टांत मैंने दिया। अब दूसरा और देता हूं। बच्चा जमीन पे लेटा हुआ है, टट्टी पेशाब कर दिए, गंदगी कर दी है, रो रहा है। माँ नीचे झुक के बच्चे को उठाएगी या माँ ऐसे ही खड़ी रहेगी कहेंगे को उछल के आप मेरी छाती पे चढ़ जा? माँ नीचे उतरती है इसीलिए माँ बड़ी है, क्योंकि ऊपर से नीचे आती है। क्यों आई नीचे? नीचे वाले को ऊपर लेने के लिए, और बच्चे को उठा के और सीने से लगाया आपने, इसलिए माँ बड़ी है और बच्चा छोटा है। बच्चे का उद्धार चाहिए और माँ का अवतार चाहिए, अवतार के बिना उद्धार नहीं होगा। इसलिए बच्चे को चाहिए माँ की पूजा करें, जो कहे माँ वही करें। अभी ये बोल रहे थे मैं ब्राह्मण हूं, कहां खोपड़ी पे लिखा हुआ है ब्राह्मण है? लेकिन माँ ने कहा है तू ब्राह्मण है, बच्चा ब्राह्मण का है तो ठीक है। एक कहता है कल भाई मृत वृद्ध क्या बोला, मैं खन्ना हूं। कहीं नहीं लिखा उसके ऊपर कि ये खन्ना है, भी कोई प्रमाण भी नहीं है, माँ ने कहा है। और एक के पास बड़ा मजबूत आदमी और लाखों रुपया उसके पास, बोला तुम्हारा नाम क्या? बोला घसीटा मल। माँ ने कह दिया है, उसने मान लिया है घसीटा मली है। और ये ज्योत्सना नाम है इसका, ज्योत्सना माँ ने कह दिया, ज्योत्सना बन गई है बिल्कुल अंधकार पर ज्योत्सना है, मान लेते हैं ठीक है। तो अवतार जो है वो आता है उद्धार के लिए दूसरों के, उसको अवतार कहते हैं। एक बात, एक दृष्टांत और दे देते हैं। मास्टर साहब ने एमए कर लिया, अब तो प्राइमरी स्कूल तो पहले ही छूट जाती है, हाई स्कूल भी छूट जाती है, और एमए करने के बाद कॉलेज भी छूट जाती है। सबसे ऊंचे हो गए कि नहीं हो गए? लेकिन मैंने देखा मास्टर साहब रोज जाते हैं और प्राइमरी स्कूल में और तीसरी क्लास के कमरे में, बच्चे सैकड़ों वहां क्लासें पास कर करके ऊंची क्लास में चले गए। मास्टर साहब अभी भी 15 साल हो गए हैं उसी थर्ड क्लास में जाते हैं, चौथ फोर्थ क्लास में। मैंने कहा तुम एमए करके इस क्लास में आ रहे हो, बच्चा 1 साल रह जाए तो घर वाले डांटते हैं उसको कि कब वक्त तू हमेशा ही तीसरी क्लास में पढ़ा रहेगा, वो ऊपर भी जाएगा।
और आप फिर इसी क्लास में रोज आते हो। वो कहते हैं मैं इन तीसरी क्लास में जो पढ़े हुए हैं इनको ऊंची क्लास में उठाने के लिए आता हूं यहाँ पर। तो बच्चे को चाहिए मास्टर साहब की पूजा करें, और पूजा का मैंने तरीका बता दिया कि नहीं, उनकी आज्ञा का पालन करें। वो कहे डीओजी डॉग डॉग मुझे कुत्ता, वो कहे हरगिज़ नहीं बोलूंगा डीओजी डॉग डॉग मुझे कुत्ता, तो बोला डीओजी डॉग डॉग मुझे हाथी। मास्टर साहब की बात ही वो नहीं मानने का, वो पास होएगा कि फेल। तो उस बच्चे का उद्धार करने के लिए मास्टर जाता है, मास्टर उस बच्चे के लिए मास्टर अवतार है। तो भगवान ने अर्जुन को ये बताया कि सारा संसार जो तुमको दिख रहा है ये मेरा रूप है, जितने हैं ये सब के सब किसी न किसी को कुछ सिखाने के लिए संसार में आए हैं। ये तो हुआ इसका लिटरल मीनिंग अवतार का और उद्धार का। फिर एक चीज और बताई, बोला इनको हम कैसे मान लें अवतार और ये कैसे हमारा उद्धार करेगा। तो बताया कि जिसके अंदर तुमको कुछ श्रेष्ठ गुण दिखाई दे वो तुम्हारा गुरु। जल में श्रेष्ठ गुण है, हमको जीवन देता, नहीं तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, इसलिए हम जल की पूजा करते हैं। हमको अन्न में गुण है, वो उसके बिना हम जिंदा नहीं रहेंगे, इसलिए हम अन्न देवता की पूजा करते हैं। जो किसान लोग खेती करते हैं वो अपने खेत की पूजा करते हैं। चमार अपना वो जूता कूटने का जो लोहा होता है उसकी पूजा करता है। बनिए लोग अपने दवात और कलम की पूजा करते हैं। सिपाही लोग अपने हथियार की पूजा करते हैं। हर एक के अंदर कोई न कोई ब्यूटी है, इसलिए हम उसकी पूजा करते हैं। और पूजा ही नहीं करते हैं, वो उनसे श्रेष्ठ मानते हैं और उनसे हमें जीवन मिलता है। अब सज्जनों, तो आगे समझ में कि जो भी श्रेष्ठ गुण है हमसे उनकी पूजा करनी चाहिए। अर्जुन ने पूछा था ना कि मैं किसकी पूजा करूं, अरे जो तुझे दिख रहा है तुमसे श्रेष्ठ कोई तुम्हें मालूम होता है उसकी पूजा कर, और किसकी तो पूजा करेगा। लेकिन अर्जुन याद रख ले, ये जो कुछ तुम्हें संसार में दिख रहा है ये श्रेष्ठ तुमसे है, उनकी तुम पूजा करो, लेकिन ये पूर्णता इनमें किसी में नहीं है, पूर्णता मेरे अंदर है, ऐसा कृष्ण महाराज ने कहा। अब क्या पूर्णता है, बोला जन्म कर्म च मे दिव्यम। सारी दुनिया जन्मती है और मैं भी जन्मता हूं, लेकिन मेरा जन्म दिव्य है और दुनिया का जन्म अदिव्य है। दिव्य समझते हो ना, अदिव्य कहते हैं लौकिक और दिव्य कहते हैं अलौकिक। क्या अलौकिकता है आप में, कहते हैं खाली जन्म ही नहीं कर्म भी। लोगों के कर्म है अदिव्य और मेरे कर्म है दिव्य। तो जन्म कर्म च मे दिव्यम। अब उनका जन्म बतावें आपको या कर्म, बोलो। पहले जन्म ही सुन लो, आप सब अपने कर्म के पुण्य और पाप से बंध करके हम लोग जन्म लेते हैं रोते हुए, और वो जो जन्म लेते हैं वो प्रकृति से बंधे हुए नहीं होते हैं, प्रकृति को अपने मुट्ठी में लेकर के प्रकट होते हैं। आप देखा है भगवान राम के बारे में रामायण में लिखा है तुलसीदास जी ने, तुलसीदास जी कोई कम अकल तो थे नहीं। अगर हम उनमें ज्यादा अकल न भी माने तुलसीदास जी में तो भी हमारे जितनी तो होगी ही उनमें, जो इतना उन्होंने ग्रंथ लिखा है कि आज उनके ग्रंथ बीए और एमए में पढ़ाए जाते हैं। उन्होंने लिखा है जब भगवान राम जी आए तो कहे भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी
हर्षित मैं तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। क्या कहा? भय प्रगट कृपाला, जन्म नहीं लिया प्रगट हुए। कैसा रूप था कि हमारे तुम्हारे जैसा नहीं, उनका अद्भुत रूप था। कैसा अद्भुत रूप कि लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा और निज आयुध भुजचारी भूषण वन माला और नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। हम नहीं मानते तुलसीदास जी कोई भगवान थे, संत उनको मानते हैं, फिर भी हम उनको उतना ही मानते हैं कि हमारे जितनी तो अकल उनमें होगी होगी। इतना झूठ बोल के धोखा दुनिया को वो नहीं दे सकते, एक संत महात्मा। अब वो ऐसे प्रकट होते हैं, आप कहो जी हम तो मानते नहीं राम जी की बात, तो कृष्ण जी के लिए लो। ये जब जेल में वसुदेव और देवकी थे, उसी समय प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए। कोई लड़का आज तक माँ के पेट से गदा लेकर के पैदा हुआ है, उसका माँ का पेट फट जाएगा। लेके पैदा हुए, प्रकट हुए और कहा कि इस समय तुम मुझे जल्दी से, मैं छोटा रूप धरूंगा बालक का, तो टोकरी में रख के सामने गोकुल है जमुना पार, और वहां ले जाओ मुझे, और उसके नंद के यहाँ घर में लड़की हुई है, उसको उठा के ले आओ। जब तुम लाओगे तब तक वो सोए रहेंगे, वो जगेंगे नहीं, और जब मुझे ले जाओगे तो जेल के पहरेदार हैं ये सब सोए रहेंगे, जगेंगे नहीं, जब वापिस आओगे तब जगेंगे। ये किया। फिर हम देखते हैं, हमने राम का फोटो देखा है, कृष्ण की भी फोटो देखे हैं। कभी आपने उनकी दाढ़ी देखी है सफेद, या मूछ देखी है? वो अवतारी पुरुष है, प्रकृति के बस में नहीं है, प्रकृति उनकी मुट्ठी में है। वो जब चाहे तो बड़े हो जाएं, जब चाहे तो छोटे हो जाएं, और कभी भी वो बूढ़े होते ही नहीं। तो ये उनका दिव्य है जन्म कर्म जो मेरी, सबका ऐसा नहीं होता। तो और सुन लो उनकी बात, अवतार की बात बता रहा हूं आप, और क्या बात है उनके कर्म पीछे बताऊंगा, अभी तो आने की बात। भाई कैसे आते हैं वो प्रकृति को बस में करके, और हम कैसे आते हैं प्रकृति के बस में होके, बस इतना ही फर्क है। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की जय। हरिओम तत्सत। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक आदमी जेल में चला गया, जेल से आया, आप उसे कहो ये जेल काट के आया है तो आपको एक चांटा मारेगा, वो मेरी बेइज्जती करते हैं, वो बहुत बुरा समझता है। और जेल में गया था तो मुंह ढक के गया, और आया तब भी मुंह ढक के आया, रोते रोते गया, घरवाले सब रोते रहे। लेकिन मेरा एक शिष्य है जेल सुपरिंटेंडेंट सेंट्रल जेल में, तो मुझे बुलाया, मैं चला गया, इन्फॉर्म कर दिया चिट्ठी लिखे कि मैं आ रहा हूं। चिट्ठी मिली नहीं उनको, रात का टाइम था, मैं उतरा स्टेशन पर तो लोगों ने, तांगे वालों ने आके मुझे पूछा, रिक्शे वालों ने आके पूछा स्वामी जी कहाँ जाओगे? मैंने कहा भाई जेल में। वो कहने लगे हम आपको जेल में नहीं ले जाएंगे। दूसरे को आवाज दी भाई इनको जेल में ले जा। एक आया मुझे जेल पर ले गया। कहाँ ठहरोगे? मैंने कहा जेल सुपरिंटेंडेंट के यहाँ।
पता लगा वो आ गए, ठीक है, एक कमरा मेरे लिए उन्होंने अलग बना करके दे दिया। और रोज सवेरे उठते थे, जब जेल जाते थे ना, यूनिफॉर्म वगैरह सब लगा के और क्रॉस बेल्ट वगैरह लगा करके और आते तो मेरे कमरे के अंदर नहीं आते, क्योंकि जूते पहने हुए होते हैं, वहीं से प्रणाम करते, लेट करके प्रणाम करके कहने लगे कि मैंने कहाँ जा रहे हो, कहने लगे जेल में, जाओ। बोले बस आशीर्वाद दर्शन के लिए आया था, दर्शन करके आशीर्वाद लेके चला गया। शाम को आता फिर पहले प्रणाम करता और पीछे अपने कमरे में जाता। मैंने कहाँ से आ रहे हो, बोला जेल से। अब वो जेल में जाता है रोज और जेल से आता है रोज, लेकिन रोता नहीं है, दुखी नहीं है और मुंह ढकता नहीं है और गर्व से कहता है कि मैं जेल जा रहा हूं इस वक्त, फिर आप मैं लौट के आऊंगा तब आप कोई काम करना मुझे, अभी तो मैं जेल जाऊंगा। बड़े चाव से जा रहा है जेल। तो उन लोगों में जो जेल में गए हैं और इनमें क्या फर्क है, वो गए हैं अपने सरकारी कानून के अंदर फंस करके, इसलिए रो रहे हैं, कानून के अंदर बंधे हुए गए, हथकड़ी बेड़ी पहन करके गए और इसके सब कानून अपने हाथ में, और ऑफिसर होके जाता है जेल में, कैदी इस कोठड़ी से उस कोठड़ी में नहीं जा सकता, जावे तो जूते पड़ते हैं, और ये जेल में जाके सारे जहां चाहे उस कोठड़ी में चला जाता है, सारी जेल में घूम जाता है, और कैदी को चाहे तो किसी को मक्खन दे देता है, किसी को फल फूल दे देता है, और किसी को छोड़ना होता है तो जेल से बाहर निकाल के घर भेज देता है। वो जेल को क्या, दूसरे जेल में जाते हैं कैदी, वो दूसरे कैदी को छोड़ के घर भेज सकते हैं क्या है? ऐसे डंडे पड़ेंगे उनके। तो ये संसार जेल खाना है, हम सब कैदी हैं। अवतारी जब आते हैं तो वो वहां के जेल के अधिकारी बन के आते हैं, उनको अधिकार है किसी को जेल से निकाल दे और किसी को जेल में सुख दे दे। लेकिन हमको कहां सुख है, 90 साल की मेरी उम्र हो गई, मैंने सोचा कि एक मैं भी वो ले लूंगा कार, कौन सी रोल्स रॉयस, वो कार तो दूर रही, अभी तक मैंने रिक्शा ही नहीं खरीदी हुई, कोई दूसरा बिठावे अपनी कार में तो हम जाते नहीं, तो हम तो बेकार। तो हमारे चाहने से होता क्या है, क्यों हम अपने कर्मों से बंधे हुए हैं। 15वें अध्याय में कहा है कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके, हम कर्म में बंधे हुए हैं और कर्म को वो मुट्ठी में बांध करके आते हैं, तो उनके कर्म भी दिव्य होते हैं। ये तो मैंने जन्म बताया, अब कर्म सुन लो। भगवान कृष्ण को या तो आप मानो इस मत के वो कुछ थे, ना तो अवतार थे ना आदमी थे, आदमी है तो आप है, वो आदमी थोड़े थे, अवतार भी है तो आप हैं, ये वो अवतार बैठे हुए सब, वो कुछ नहीं थे। और अगर मानते हो तो फिर पूरी तरह से मानो, क्योंकि मैंने उनका सारा जीवन पढ़ा है। पैदा होते तो वो गोकुल में गए और अभी 5 साल के नहीं थे, सैकड़ों राक्षस उनको मारा, पूतना आई थी उसका जहर पी गए, जहर पी गए, ये कर्म था उनका, और जहर पी के उसको मुक्ति दी। अच्छा आप जरा एक 2 तोला जहर तो कल लाके मेरे सामने खा लो, देखें यहां से आपको उठाने के लिए मुझे आदमी बुलाने पड़ेंगे, अब थोड़ी खा सकते हो। और राक्षस को मारना दूर रहा, आप अपने अंदर जो एक बुखार आ रहा है उसी को नहीं मार सकते हो, नजला हो गया, नाक में से पानी जा रहा है उसको नहीं मार सकते हो, ब्लड प्रेशर हाई हो गया उसको नहीं मारते हो। तो उनके कर्म ही दूसरे थे। उसमें एक जगह ये भी लिखा है कि 16,108 रानियां थी, आप 1,000 तो करो, आप कहते स्वामी जी हम तो 1 करके ही मुसीबत में पड़ गए हैं, आप हमारा पिंड छुड़ाओ किसी तरह से, कोई रास्ता बताओ कि इस 1 से हमारा पिंड छूटे। उस 16,108 या तो कहो शास्त्र सारे झूठे हैं, ऋषि मुनि सारे झूठे,
तो ठीक है, और फिर कृष्ण महाराज भी नहीं है, और अगर है तो उनके कर्म देखो कैसे दिव्य हैं। नारद जी ने कहा मैं देखूंगा कृष्ण महाराज को, ये 16108 रानियों से कैसे निपटते हैं। अरे 16108 रानियों के इनको नाम भी याद नहीं रह सकते, और अगर डायरी में लिखे तो पूरा रजिस्टर इतना बड़ा हो तब 16108 नाम लिखेंगे। तो फिर मैं जांच करूंगा। नारद जी जांच करने गए, जिस महल में गए रानी के वहां देखे कृष्ण महाराज बैठे हुए हैं, किसी के साथ चौपड़ खेल रहे हैं, किसी रानी से पैर दबवा रहे हैं, किसी रानी के पास भोजन कर रहे हैं, किसी रानी से पंख की हवा खा रहे हैं। नारद जी की अकल गुम हो गई। कृष्ण एक नहीं, कृष्ण 16108 कृष्ण। अब ये बताओ कि इस समय कोई आदमी है यहाँ 16108 नहीं, सिर्फ दो रूप धारण कर ले, एक रूप में यहीं बैठा रहे, एक रूप में घर चला जाए, वो नहीं जा सकते। फिर हमने पढ़ा अभी तक लोग जाते हैं, गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पे उठाया, हम कहते हैं सिर्फ हमारे इस कमरे को ही एक उंगली से नहीं, दोनों हाथ लगा के उठा करके जरा मिनियासोटा में ले जाए सेंट पॉल या एयरपोर्ट के पास रख दे ताकि यहां से आना नहीं पड़े इतनी दूर तक। तो कर्म भी उनके दिव्य, पांच पांडव को लेकर के लड़ाई करी कौरवों से, उनकी फौज भी ज्यादा थी 1100 और भाई भी बहुत थे 100, वो 100 के 100 ही मर गए, एक भी नहीं बचा, और इन पांचों में से एक भी नहीं मरा, पांच जिंदा। और फिर आपने हथियार उठाया नहीं, पहले कहा मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं लड़ूंगा नहीं, लेकिन पांडव हारेंगे नहीं, कितनी जबरदस्त गारंटी ये थी। तो सारा चरित्र मैंने पढ़ा, समझ में आया कृष्ण निराकार रूप में आपके सबके अंदर है, लेकिन साकार रूप में आप कृष्ण नहीं हो, आप तो कोई खन्ना और कोई चोपड़ा है, कोई शेख सरिया है, कोई बांगड़ है, कोई बिरला है वो, लेकिन निराकार रूप में वो है आपके अंदर, ये मैं गारंटी से कहता हूं, और मुझे दिख रहा है। आपको देखने की आंख नहीं है तो मुझसे ले लो, मैं दिखा दूंगा, मैं कभी भी शिव के दर्शन आपको करा दूंगा, ये मैं बढ़ चढ़ के बात गप नहीं लगा रहा हूं, है, और मैं दावे से कहता हूं भगवान जो सबके अंदर है उसी तरह से है जैसे अमेरिका सारे कमरों में है, कमरे टूट जाएंगे अमेरिका नहीं टूटेगी, तो इन सब के अंदर वो भगवान है, पर ये सब पेरिशेबल है, ये सब चेंजेबल है। ये कल मैंने देखा ये इतने इतने थे, अब कुछ दिन के बाद में आया हूं तो इतने बड़े हो गए, और फिर कुछ दिन के बाद आऊंगा तो ये एकदम हो जाएंगे हाथी जैसे, और फिर कुछ दिन के बाद आऊंगा तो ये देख लो माता जी बैठी जरा फोटो देख लो, बिल्कुल ऐसा फोटो हो जाएगा सबका, आपका असोभत आपका होने वाला है, समझे। तो आपका तो रोज बदलता है चीज, कृष्ण महाराज का कभी बदला ही नहीं। जिस समय अर्जुन ने गीता पढ़ी है, अर्जुन 75 साल का था तब उसको गीता सुनाई थी, और ये अर्जुन से बड़े थे तो ये 125 से ऊपर के थे, लेकिन दाढ़ी नहीं आई, मूछ नहीं आई, और बूढ़े भी नहीं हुए, तो उनके कर्म दूसरे हैं। नहीं समझ में आता है, नहीं आएगा, इसलिए गुरु की आवश्यकता है, और ये गुरु की परंपरा आज से नहीं चली है, अनादि काल से जब से सृष्टि बनी है तब से गुरु परंपरा है, और जितने भी हुए, अब चाहे सिख न माने गुरु को, लेकिन सिखों के गुरुओं ने गुरु किए थे, गोविंद सिंह का भी कोई गुरु था, अर्जुन देव का भी कोई गुरु था, भले आर्य समाज न माने गुरुओं को ना समझी से, लेकिन ऋषि दयानंद का भी कोई गुरु था, और ऋषि दयानंद भी किसी के गुरु थे,
स्वामी श्रद्धानंद जी से मैं मिला हूं, वो उनके गुरु थे। तो सज्जनों, गुरु की परंपरा हमेशा से है और हमेशा रहेगी, लेकिन अब आजकल उसका मिसयूज हो रहा है। तो मिसयूज हो जाए लेकिन गुरु परंपरा खराब नहीं है। अब ये कमरा है कि नहीं? आपने क्या बनाया? ये पूजा पाठ के लिए। आप चले जाओ यहां से, कल मैं खरीद लूंगा कमरा, तो मेरा हो जाएगा कि नहीं? मैं यहां भगवान का वोट वोट हटा दूंगा, बाथरूम यहीं बनाऊंगा, कमोड लगा दूंगा, तो इसी कमरे का मिसयूज हो गया। और यहीं बैठ करके मैं सबको गीता पढ़ाऊंगा, योग सिखाऊंगा, बूढ़ों को फिर जवान बना दूंगा मेरी तरह, तो ये उसका प्रॉपर यूज होगा। तो हमने सब चीजों का मिसयूज कर दिया है। कई भाई कहते हैं कृष्ण महाराज तो अवतार अवतार नहीं थे। मैं पूछता हूं, नहीं थे तो तुम उनको मानते जी क्यों? हम भी तुम्हारे साथी, नहीं मानते चलो। फिर तुम ये क्यों कहते हो कि उन्होंने इतनी औरतें क्यों करी? जब थे नहीं तो औरतें कैसे करी? फिर उन्होंने गोवर्धन कैसे उठाया? लेकिन सारा ग्रंथ हमारा, लिटरेचर सारा भरा हुआ है उसे। तो सज्जनों, अवतार और कृष्ण ये दो नहीं है। जो भी नीचे आता है दूसरों को ऊपर उठाने के लिए, वो अवतार है। लेकिन अब उनमें किसी में कम विभूति है, किसी में ज्यादा है। तो अब टाइम बहुत हो गया है और आप लोग सोच रहे हो, घड़ियां देखने लगे हो। तो मैं तो घड़ियां वड़ी देखता नहीं हूं, फिर भी मुझे किसी ने घड़ी दे दी है कि घड़ी रखो स्वामी जी। वो जब मैं बैंकॉक में काम कर रहा था ना, प्रवचन कर रहा था, लोग आते थे तो एक सेठ जी आते थे रोज, सबसे पहले आते सत्संग में, सबसे पहले भाषण देने वाले पहले आ गए, सुनने वालों का पता ही। तो वहां वो सेठ जी सबसे पहले आते थे और खाली हाथ कभी नहीं आते, रोज कुछ ना कुछ लेके आते थे। तो एक दिन मैंने देखा उनको, तो एक इतना सारा डिब्बा लेके आए मखमल का, ऊपर से वो सोने की पट्टी चढ़ी हुई। तो मैंने, अब मेरी नजर गई उस तरफ, गीता पाठी हुआ तो क्या हुआ, लालच तो सबके अंदर है ही है, कुछ ने कुछ है लालच, किसी को रोटी का, किसी को नोट का, किसी को सोट का, किसी को पोट का, किसी को मकान का, किसी को कार का। तो मेरी नजर उधर गई, बार बार उधर जाएगी नजर। तो मैंने कहा मैं प्रवचन अच्छा कर नहीं सकूंगा, तो क्यों नहीं ये शंका दूर करूं। मैंने सेठ जी से पूछा, सेठ जी क्या लाए हो? लगे स्वामी जी अभी देता हूँ आपको, खोल करके उसने घड़ी निकाल के मुझे दे दी, फर्स्ट क्लास घड़ी 7,000 रुपए की। मैंने कहा इसको मैं क्या करूंगा, मैं तो घड़ी लगाता नहीं, मुझे घड़ी की जरूरत ही नहीं है। बड़ा, नहीं स्वामी जी आपके लिए नहीं लाया हूँ, तो हमारे लिए लाया हूँ, आप ये घड़ी अपने पास रखो ताकि आप भाषण करो तो आपको दिख जाए कि टाइम कितना हो गया है, क्योंकि आपको तो सवेरे न दफ्तर जाना है न दुकान जाना है, अभी आप घर जाओ जल्दी से तो अच्छा ही रहेगा, नहीं तो बच्चे फिर चिल्लाएंगे, बच्चे कल से कह देंगे डैडी खबरदार है तुम गए तो, और जाओ तो सिनेमा में भले चले जाओ लेकिन बाबा जी के पास मत जाओ। हाँ बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। भाई एक साथ बोलो ना जय, एक साथ सब जन एक आवाज में बोलो, और फिर देखो कि एक साथ बोलने में कितना अच्छा लगता है। कमर सीधी कर लो और फिर बोलो बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। क्या एक साथ का ही आनंद। बाजार में 3,000 आदमी चलते हैं, कोई नहीं देखता उनको। जाते हैं सुपरमार्केट में, खूब घूमते हैं आदमी, ऐसे घूमते से चीटियां चल रही हैं। लेकिन मिलिट्री वाले 10 आदमी अगर निकले सड़क पर, सब खड़े होकर देखने लग जाते हैं कि मिलिट्री वाले जाते हैं। क्यों? उनका कदम एक साथ होता है, उनकी ड्रेस एक जैसी होती है, वो कोई कास्ट या कम्युनिटी नहीं होती है, पर उनकी वो यूनिटी होती है, उसको देख के लोग कहते हैं मिलिट्री वाले जा रहे हैं।
ऐसे ही आपको देखेंगे जब एक साथ जय बोलते हैं कैसी अच्छी लगी, और एक साथ गीता पढ़ेंगे तो इससे भी ज्यादा अच्छी लगेगी, और एक साथ गीता का ज्ञान धारण कर लेंगे धरती में फिर स्वर्ग आएगा, हमको स्वर्ग में ही जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वर्ग कहेगा चलो धरती पर क्योंकि वहां गीता शुरू हो गई है। तो एक बार फिर बोलो प्रेम से, बोल कृष्ण चंद्र भगवान की जय, हरिओम तत्सत। ये देखो, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे